ऑल राइट गाइस, घर पे आ चुका हूँ। अभी आपको बताता हूँ कि मूवी कैसी थी। देखो मूवी टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ा ऊपर नीचे जैसा जैसा हम बात कर रहे थे वैसा मुझे लगा, तो गौरव को भी वैसा लगा। गौरव तो बहुत बोर हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मूवी से उम्मीद थी एंड मैं इसीलिए मूवी देखने भी गया। तो सिंपल से बात है, मैं वासन बाला को देखे गया एंड आलिया भट्ट को देखे गया। देखो मुझे लगता है आज जो इंडस्ट्री चल रही है, मतलब इंडस्ट्री में से मूवी चल रही है एंड उसमें से ना कुछ एक्टर्स होते हैं जो जिसमें एक पुल होता है, पुल मतलब थिएटर में लाने का एक पुल होता है कि ऑडियंस थिएटर में लाने का, एंड मुझे लगता है कि आलिया भट्ट में वो हुनर है। एंड आलिया भट्ट क्योंकि एक एस्टैब्लिश हो चुकी है एज एन एक्टर, पावरफुल एक्टर, तो लोग उनकी मूवी देख के जा सकते हैं कि वो क्रेडिबिलिटी उन्होंने अर्न कर ली आलिया भट्ट ने। आई एम जस्ट टेलिंग दिस अबाउट ओनली आलिया भट्ट, ठीक है। देखो बड़े बड़े एक्टर्स जैसे सलमान शाहरुख तो ऐसा होते हैं कि वो लोग करते हैं मूवी तो उनकी फ्लॉप भी 300 करोड़ की होती है। एंड वो हम लोग गौरव और मैं बात ही कर रहे थे वही कि सोचो जरा कि अभी भी मूवी में मूवी देखने लोग आए, ओनली द पोस्टर में फोटो किसकी है, आलिया भट्ट की, एंड वो जिगरा वो लड़की में है, ठीक है। एंड वो पुल कर सकती है ऑडियंस को अपने मूवी देखने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि एंड ऑफ द डे हमें एक अच्छी मूवी देखने मिलेगी। तो मूवी के बारे में बात करता हूँ, मूवी अच्छी थी, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ जैसे मैंने बोला कि ऊपर नीचे था। आफ्टर सेकेंड हाफ, आफ्टर इंटरवल, अच्छा मूवी, बहुत अच्छा पेस पकड़ी, थोड़ा फास्ट हो गई एंड मजा आ गया। फास्ट पकड़ी मतलब देखो मैं आपको जैसे बोला, जैसे मूवी का ऐसे होता है कि फर्स्ट हाफ थोड़ा बिल्डअप होता है एंड सेकेंड हाफ में आपको मेन जो मटन होता है तो वो देखने मिलता है। तो मटन बना जो मेन मांस तो आपको वो देखने मिलता है, ठीक है। तो मूवी अच्छी थी, मनोज पावर जी थे, मनोज पावर जी की मतलब कॉमेडी सुपर, मीन्स वो जब जब फ्रेम में आते हैं आपको जरा एक हंसी आ जाएगी, मतलब मूवी जिस तरह चल रही है तो आपको उसमें मजा आएगा। एंड मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब मूवी में एनिमल मूवी देखने गया था मैं, तो मुझे एनिमल मूवी का जरा थोड़ा याद आ गया कि जैसे एनिमल में रणबीर कपूर ने एक्टिंग की थी वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा था कि वही रोल अभी आलिया भट्ट कर रही है। एंड आलिया भट्ट तो यार हैंड्स डाउन सुपर यार, एंड बहुत अच्छा उन्होंने किया, मूवी सही चल रही थी। कुछ कुछ बातों में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सेंस नहीं बन रहा है ऐसा कहते, एंड फिक्शन है हमें मालूम है फिक्शन है ये कहानी, तो हम इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा सकते। अब हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, मेरा मतलब ये दिमाग नहीं, हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि भाई ये कुछ हमारा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमें मालूम है कि फिक्शन है, ठीक है। एंड यहाँ तक कि जो कंट्री में जस्ट जैसे उसके भाई का, जहाँ पे उसके भाई को ड्रग्स के लिए पकड़ा गया था पुलिस में जो जेल में रखा गया था, तो वो कंट्री भी उन्होंने फिक्शन बनाया, तो मैंने वो देखा, मैंने पढ़ा, तो मुझे मालूम पड़ा कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है। तो ऑल एंड ऑल फिक्शन है, ठीक है, एक कहानी थी, लेकिन ये भाई बहन की कहानी है एंड बहुत ही अच्छी तरह बताया, एक स्ट्रांग फीलिंग आती है एंड लगते हैं दोनों भाई बहन पिक्चर में एक्टिंग करते हैं तो भाई सुपर्ब लगते हैं दोनों। एंड वेदांत रायना की बात करूँ तो वेदांत रायना भी बहुत अच्छे उन्होंने किया। बस लास्ट में जब मूवी खत्म हुई तो वही हम लोग एक जब आप मूवी देखोगे आपको मालूम पड़ेगा कि क्या होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपको मूवी को लेके, मुझे ऐसा लगता है जब भी आप मूवी देखोगे फर्स्ट हाफ में अगर आपको समझ ना आ गए तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको नहीं समझेगा तो मुझे लगता है कि आपको सेकंड बार वापस देखना चाहिए, लेकिन ये वन टाइम वॉच मूवी है आपको बताया तो, ठीक है। सो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड स्माइल करो, खुश रहो, चलो बाय।